हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों यूके एन न्यूज प्रोग्राम की, उत्तराखंड एन न्यूज प्रोग्राम की जो सुर्खियों में खबर रही है। कौन सी खबर है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा, कौन सा दोस्तों? अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का दोस्तों शुभारंभ किया हुआ है। समग्र विश्लेषण के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं। इस पर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक छोटा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पर दोस्तों आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिए, बेल के बटन दबा लीजिए, आने वाले वीडियो दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा, कौन सा दोस्तों? अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये चर्चा में क्यों है और इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं, इसकी हम डिटेल से आप बात करेंगे। तो डिटेल से बात कर रहे हैं दोस्तों, चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में क्यों है बात करेंगे। 16 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन में आयोजित गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर आरंभ का शुभारंभ किया है। दोस्तों जो कार्यक्रम है उसका दोस्तों शुभारंभ किया हुआ है, किसने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बात की हुई है, प्रमुख बिंदु के तहत देख लेते हैं। अविरल गंगा निर्मल गंगा, कौन सा दोस्तों? अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, किसको दोस्तों? गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा को साफ सुथरा रखने के साथ साथ जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन भी किया जाएगा। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है गंगा नदी को लेके, किसको लेके? गंगा नदी को लेके इसको दोस्तों स्वच्छ रखा जाएगा, स्वच्छ रखने के साथ साथ उसको साफ सुथरा रखा जाएगा, साफ सुथरा रखने के साथ साथ दोस्तों इसका संरक्षण भी किया जाएगा, इसका दोस्तों संरक्षण भी किया जाएगा और संरक्षण करने के साथ साथ इसका संवर्धन भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि नेक्स्ट इसमें और क्या बात की गई है। तो इसके बात की गई है तो गंगा के मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए, किसके दोस्तों? गंगा के मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए केंद्र व राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार और दोस्तों राज्य सरकार दोनों मिलकर निरंतर कार्य कर रही है, जो गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों पर भी कार्य किए जा रहे हैं। गंगा की सहायक नदी यमुना, ये मुख्य सहायक नदी है गंगा की, सहायक नदी यमुना। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई है, ये बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम चरण के तहत गंगा में मिलने वाले 132, कितना दोस्तों? 132 गंदे नालों के पानी को एसटीपी के माध्यम से, किसके दोस्तों? एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया जाएगा। कितने दोस्तों? अब आप सोच सकते हैं गंगा में दोस्तों कितने गंदे नाले मिल रहे हैं? 132 गंदे नालों को, एसटीपी के माध्यम से दोस्तों साफ किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में, किसमें दोस्तों? जबकि दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों गंगा कितनी गंदी, आप देख पा रहे होंगे कि 132, कितना दोस्तों? 132 गंदे नाले के पानी को एसटीपी के माध्यम से साफ किया जाएगा और दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबर इसलिए थी कि छोटी थी बट ये गंगा के तहत थी और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि गंगा की इसमें क्या, किस लिए इसका योजना चलाई जा रही है, अविरल गंगा निर्मल गंगा, है ना? तो इसलिए बताने का मोटिव था। ओके दोस्तों, तो आज के हमारे चैनल में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो पर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें।